अलग नाजरीन आप देख रहे हैं नसीम जहरा पाकिस्तान वो कहते हैं नाजरीन ही केम ही सो और नेपोलियन के बारे में तो कहते हैं ही कॉन्क्रेट बट ही केम ही सो एंड ही टुक ओवर टुक ओवर क्या इन्हीं हर पार्टी इनको लेने के लेने के लिए तैयार थी आ, ये गए एक पार्टी में 2015 जनवरी में इन्होंने वो पार्टी छोड़ दी फिर एक और पार्टी में ये गए उभरती पार्टी वो पार्टी इन्होंने छोड़ दी उनसे कहा गया कि आप चले जाए अब ये वापस से इधर मंज़र आम पर आए हैं और सब पूछ रहे हैं कि जी अब इनका क्या इरादा है अभी भी इनकी मुलाकातें हुई हैं दो फॉमर प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ पाकिस्तान उन से इनकी मुलाकात हुई है चौधरी शुजात से हुई है फॉमर प्राइम मिनिस्टर और यूसुफ रजा गिलानी साहब वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और बहुत सी क़यासर आई हैं और ये ख़ुद ये फरमाते हैं कि मेरी सबसे मुलाकात होती है और सब में फिर आपको मालूम है मैनेजर्स भी आ जाते हैं तो आज हमने कहा कि इनको दावत दें और उनसे कहें कि कुछ बातें कहीं थी कोई तीन चार रोज़ पहले वो तो सही साबित नहीं हुई आ, लेकिन इनकी नज़र बड़ी है कि अब सियासत में होगा क्या बिकॉज हिज ओन फ्यूचर इज़ लिंक टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ये पाकिस्तान आए बहुत साल पहले लेकिन अब इरादा तो उनका यही है बड़ा क्लियर कि पाकिस्तान की सियासत में रहेंगे आपने तो गैस कर लिया अगर हम बात कर रहे हैं फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब इनफैक्ट टू टाइम्स गवर्नर फॉर्मर सैनेटर ऑफ पाकिस्तान फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यू के चौधरी मोहम्मद सरवर साहब बहुत शुक्रिया सरवर साहब आपने हमें ज्वाइन किया जी थैंकम हाँ। तो चौधरी साहब इधर से ही शुरू कर लेते हैं आपने फरमाया था आपने वही फरमाया था जो बहुत से लोगों का ख्याल था और उसके बाद ये भी ख्याल था कि असम्बलीज भी तहलील नहीं होंगी और दोनों चीजें हो, हो रही हो रही हैं क्या कहते हैं आप इसके बारे में देखें जी पहली बात तो यह है कि मुबारक टू परवेज़ अलाई साहब के नंबर्स जो हैं उन्होंने अपने पे जो हैं वो पूरे किए हैं और उसके बाद उन्होंने जो है असम्बली जो है उसको तहलील करने की भी एडवाइस जो है वो जो है गवर्नर को भेज दी है ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि बहुत से लोगों का ख्याल था और मेरा भी ये ख्याल था कि जो परवेज़ल साहब हैं वो असम्बली जो है तहलील नहीं करना चाहते जो उनके बल्कि मेंबर्स हैं कैबिनेट के वो भी नहीं चाहते तो लेकिन आपको मालूम है कि पार्टियों में फ़ैसले जो हैं वो तो ना एम करते हैं ना मिनिस्टर करते हैं जो पार्टी होती हैं उनकी लीडरशिप करती है और लीडरशिप ने फैसला किया कि जी असम्बली तोड़नी है तो फिर परवेज अलाई साहब के पास भी कोई और ऑप्शन जो है वो नहीं थी तो अब वी आर वेयर वी आर अब देखें कि आगे क्या होता है सर मुबारक तो मिलनी चाहिए इमरान खान साहब को जिसके जिनके बारे में हम सबका ख्याल था कि दिस वन ही विल नॉट बी एबल टू पुल ऑफ कि ना तो परवेज़ लाही साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले पाएंगे और आपको मालूम है इनके दोस्त इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त वाडा साहब जिनके बारे में कहा जाता है कि अभी उनको बड़ी ख़बरें होती हैं वहाँ से जहाँ से ख़बरें बनती भी हैं वो कह रहे थे जी तीस चालीस लोग नहीं होंगे अब वोट देने के लिए इलाही साहब को फिर ये कहा गया कि जी वोट इसलिए मिला है क्योंकि ये बात पक्की है कि तहलील नहीं होगी क्योंकि पावर्स डेट बी डोंट वांट के तहलीलों से इंस्टेबिलिटी पैदा होगी लेकिन यानी कि एक तरीके से बड़ी अजब बात है कि वोट भी मिल गए और उसके बाद असेंबली तहलील भी हो रही है सोटिन so, इमरान खान आ, विक्ट्री चौधरी साहब दे, देखिए जी कोर्स आ, अगर इमरान इम्रा, खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है और लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पीटीआई के लोग जाके देते हैं और इमरान साहब कहते हैं कि असम्बली को तहलील कर दो और वो असम्बली तहलील करने की एडवाइस भी देते हैं तो यकीनी आ, जो विक्ट्री है वो इमरान खान की है जब मैंने कहा कि मुबारक जो है परवेज परवेज अलाई को दी है इमरान खान को नहीं दी जाती तो भाई मुबारकबाद हमेशा दुला को दी जाती है <laughs> तो दुला तो जो थे वो तो परवेज अलाई थे दुला थे या वो तो बरातियों में लगते हैं हमें दुला तो किधर थे जी दुला तो एक ही है इस वक्त तो इमरान खान नहीं एक उस वक़्त तो थे जी जब उनको हक में उनके फैसला दिया गया है तो कॉन्फिडेंस का वोट तो लोगों ने परवेज अलाई को दिया सर दिया। एक मिनट का कॉन्फिडेंस है ही टू साइन विद इन आवर्स टू से जी अब मैं आई गो होम नाउ तो चलिए शॉर्ट लिफ्ट कॉन्फिडेंस था तो अब क्या देख रहे हैं आप एक आपने फरमाया बड़ा इंटरेस्टिंग था अब आप, आपने एक नहीं आपने तो कोई चार पांच इंटरव्यूज दिए एक में आपने फरमाया कि हाँ मैं मिलता हूँ मैं सबसे मिलता हूँ तो जो आप सबसे मिलते हैं तो सबसे मिलने के बाद आप बताइएगा कि क्या सोच है क्योंकि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला और उसके बाद तहलील हुई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जो नंबर्स मिले हैं वो चौधरी साहब लोग मानते नहीं कि ये यानी कि खुद ही हो गया है क्या नंबर एक क्या ये इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल <laughs> है उनकी पावर और जो उनका करिश्मा है उसने ये वोट दिलवाए या कहीं और के करेज ने दिलवाए मैं नसीम ये बारी जबरदस्त आपने बात की है लेकिन मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस इशू पे वो बहुत आ, कंसिस्टेंट है मैं ये समझता हूं कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है उसमें भी जो पावरफुल हलके हैं वो न्यूट्रल हुए थे उन्होंने कोई न गराने में न बनाने में हाँ ये बात दुरुस्त है कि अगर वो चाहते कि हमने पार्टी लेन पार्टी की एक किसी एक की साइड लेनी है तो फिर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जो है वो बचा सकते थे और अब भी मेरा ये फर्म व्यू है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल रही है हालांकि खान साहब तो ये फरमाते हैं कि जब जो 75 परसेंट उन्होंने सीटें जीती हैं पंजाब में उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी उसमें इलेक्शन कमीशन uh, जो है न्यूट्रल uh, नहीं था लेकिन मैं समझता हूँ कि uh, उन इलेक्शंस में भी जो बाय इलेक्शन हुए हैं ज़मनी इलेक्शन हुए हैं उनमें भी uh, जो है इलेक्शन कमीशन और इस्टबलिशमेंट uh, न्यूट्रल थी और मैं आज भी ये बात बिलीव करता हूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना होती तो फिर uh, परवेज़ अल साहब जो हैं वो कॉन्फ़िडेंस का वोट नहीं ले सकते थे अगर न्यूट्रल ना होती यानी कि फिर उनको ना मिलता नहीं जी एक ये भी तो सोच है ना कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ये असम्बलीज तहलील ना हो, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी की बात देखी जाए और इस पर तो बात करनी होगी लाजमी कि पाकिस्तान की अकतदियात मीशत का इस वक्त क्या बुरा हाल है तो उसमें तो जो पता चल रहा है वो तो यही कि इस्टेब्लिशमेंट का ख़्याल है कि स्टेबिलिटी हो तो अब या तो हम ये कहें कि स्टेब्लिशमेंट ये समझ गई है कि ये जो स्टेबिलिटी है ये एक नए इलेक्शन से आएगी या फिर स्टेब्लिशमेंट like, uh, का ख्याल है कि भाई स्टेबिलिटी uh, आएगी अगर पंजाब की असेंबली इंटैक्ट रहे बिकॉज दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स और जो अब हम देख रहे हैं वो तो इलेक्शन <coughs> जी देखें बात यह है कि मैं तो चूंकि एस्टेब्लिशमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है न मेरी इस सिलसिले में उनसे डिस्कशन हुई है तो वो क्या सोचते हैं मैं तो ये जानता हूँ कि पूरा मुल्क ये सोचता है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ये सोचते हैं कि ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए इस इनस्टेबिलिटी की वजह से ये मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँच रहा है तो इसलिए ए, मेरे ख़्याल में तो तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन हैं इनको मुल्क का पहले सोचना चाहिए अपनी ज़ियात और पार्टी पॉलिटिक्स से इनको बाहर आना चाहिए लेकिन एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये नहीं होगा कि कल को इलेक्शन हो जाएँ और कल को कोई पार्टी बरसर इंतज़ार आ जाए तो उसके पास जादू की छड़ी होगी और वो सारे मामलों जो हैं वो हल कर लेगा इस वक्त मुल्क जिन मुश्किल का शिकार है इसमें बहुत से मुश्किल फैसले इन सियासतदानों को करना पड़ेंगे आप देखें ना दो तीन चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप मुझे इजाज़त दें पहली बात तो यह है कि अगर मुल्क की इम्पोर्ट 80 बिलियन डॉलर है और एक्सपोर्ट 30 बिलियन डॉलर है 50 बिलियन डॉलर का डेफिसिट जो है कहां से आएगा फिर आप ये देख लें कि जो गैस है उसमें आपका सर्कुलर डेट जो है वो पंद्रह सौ अरब तक पहुंच गया है। और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलर डेट है वो तीन हजार अरब तक पहुंच गया है रेलवे में आप घाटा खा रहे हैं पीआईए में घाटा खा रहे हैं स्टील मिल में घाटा खा रहे हैं तो भाई पैसे कहां से आएंगे ये मुल्क कैसे चलेगा अगर एक हजार अरब से ज्यादा जो पब्लिक सेक्टर है उसमें नुकसान हो जाएगा तो कैसे आप जो है इन नुकसान को पूरा करेंगे और फिर मरकज़ के पास जो पैसे हैं वो तो उनके पास इतना भी रेवेन्यू नहीं इकट्ठा होता कि वो फ़ौज की तनख्वाह दे सकें और जो डेट है उसकी रीपेमेंट जो है या इवन इंटरेस्ट जो है पे कर सकें तो भाई मुश्किल फ़ैसले करने हैं और करने के बाद ही मुल्क की समझ जो है वो दुरुस्त होगी बेशक जी ये तो बात ठीक है मेरा ख्याल है कि इसका तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं द क्वेश्चन इज के हु विल बेल द कैट और अगर आप ये कहते हैं कि जी इस्तेकाम होना चाहिए तो इस्तेकाम के दो रास्ते हैं ना एक है जो इमरान खान और उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि जी नए इलेक्शंस करवाएं तो स्टेबिलिटी आएगी दूसरा जो पीडीएम है वो कह रही हैं कि जी हम मुश्किल फैसले लेंगे और फिर उसके बाद हमें टाइम मिले और अपने टाइम पे इलेक्शन होगा तो वो रूट है स्टेबिलिटी का आपका क्या यकीन है कि स्टेबिलिटी का रूट क्या है थी? नसीम देखें देखें मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ देखें जहाँ कहीं भी दुनिया में आप देख लें जब इलेक्शन होते हैं और जब हुकूमत बरसर इकतदार आती है तो इकतदार के पहले दो सालों में मुश्किल तरीन फैसले किए जाते हैं जिससे आवाम को तकलीफ भी होती है पेन भी होती है मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है और जो आखिरी दो साल होते हैं वो गिव अवे के होते हैं बल्कि आखिरी साल जो है गिव अवे का होना अब पीडीएम के लिए मुश्किल सूरत हाल ये है कि अगर ये मुश्किल फैसले करते हैं जो कि कुछ उन्होंने किए भी हैं लेकिन वो मुश्किल फैसले ये नहीं कर सकते कि ये आखिरी साल है आखिरी साल अगर कोई भी सियासतदान मुश्किल फैसले करता है तो वो फिर अपनी हुकूमत जो है वो खो बैठता है अपनी उनकी पॉपुलरिटी खत्म हो जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी फैसला है चाहे दो महीने इलेक्शन पहले हो जाए दो महीने बाद हो जाए इससे कोई क्यामत नहीं आ जाएगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई उससे ऐसा मैं नहीं समझता कि पीडीएम जो है इलेक्शन को लंबा करके कोई जो है वो गेन कर सकती है लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूं कि ये हम हर रोज़ नए तजर्बे ना करें देखें पहले मुल्क में एक वक्त पे इलेक्शन होते हैं नेशनल असम्बली के और सूबाई असम्बली के अब एक नया हम टेस्ट कर रहे हैं कि हम पंजाब में और के पी में इलेक्शन जो है वो अप्रैल में होंगे और फिर दूसरे इलेक्शन जो है वो अक्टूबर या नवंबर में होंगे तो मैं समझता हूं कि अब इन सियासतदानों को इकट्ठे मिल फैसला करना चाहिए कि इलेक्शन जो हैं एक दिन होना ही चाहे दो महीने पहले हो जाए दो महीने लेट हो जाए ये हमारे मसाइल का हल भी यही है और अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए भी ये जरूरी है कि हम जो हैं एक वक्त पे करवाएं। देखिए तो बात करवाए की कर रहे हैं और चलें ठीक है लोग आपसे बहुत एग्री भी करेंगे करेंगे तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन इसके सियासतदान आपस में बैठ के यानी के सियासतदान आपस में क्या एक तरफ पीडीएम है तेरह चौदह जमाते हैं एक तरफ इमरान खान साहब हैं क्या पीटीआई को आप इमरान खान साहब से तो आपकी नई मुलाकात हुई बातचीत नहीं हुई कब से आपका उनसे ताल्लुक नहीं है यानी कि आप जब अप्रैल पहली अप्रैल को मेरा ख्याल है या दूसरी तीसरी को आप घर गए हैं यू लेफ्ट पोजीशन थर्ड अप्रैल थर्ड अप्रैल उसके बाद से आपका तीन अप्रैल दो हजार बाईस के बाद आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ इमरान खान साहब से नहीं जी मेरा बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं और उनकी पार्टी के लोगों से सीनियर और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग समझते हैं कि शायद मैं यू के गया हूँ वहाँ नवाज शरीफ से मिला हूँ तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने रिज़ाइन किया है इस्तीफ़ा दिया है अपने मनसब से दो जनवरी को उस वक्त से ले आज तक मेरा नवाज शरीफ साहब के साथ भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है अच्छा जी तो चलें ब्रेक के बाद पूछते हैं कि फिर कांटेक्ट किससे से सियासत तो आपने करनी है पार्टी बना रहे हैं क्या कर रहे हैं नाजीन ब्रेक के बाद गुफ्तगु जारी रखते हैं विद वेलकम बैक नाजीन हमारे साथ फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब चौधरी सरवर साहब हैं चौधरी साहब ये बताइएगा कि कुछ लोगों का ख्याल है इमरान खान इमरान खान साहब ने जो असम्बली तहलील की है पंजाब की जो होने जा रही है वो एक बड़ा रिस्क लिया उन्होंने वो कहते हैं कि जी इसमें इनके पास एक एक पावर थी अथॉरिटी थी एक मेजर प्रोविंस में वो भी इन्होंने हाथ से जाने दी आपका क्या ख्याल है देखें जी ये डिपेंड करता है कि जब जो इलेक्शन होते हैं तो उसमें अक्सरियत जो है किस को मिलती है और उसके रिज़ल्ट जो हैं वो क्या होते हैं लेकिन यकीनी तौर पर जब आप अपनी हुकूमत को ख़त्म करते हैं तो उसमें रिस्क तो होते हैं लेकिन एक स्कूल ऑफ थाट पार्टी के अंदर ये भी था कि चूँकि करप्शन जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा हो रही है और ये चीज़ें जो हैं इमरान खान के नोटिस में उनको ब्रीफ किया जा रहा था और उनका ख्याल था कि अगर ये हुकूमत छः महीने और रही तो इससे पार्टी जो है उसकी रेपटेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा तो इसलिए भी उनकी सोच थी कि अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ना ले सके तो फिर भी हम चाहेंगे कि ये जो हमारे एम एम पी एज हैं वो अपनी अपनी नशिस्तों से इस्तीफ़ा दे दें तो इसकी नंबर ऑफ़ रीजन हो सकती हैं लेकिन चूँकि मैं इन नगोशिएशन में इन्वाल्व नहीं हूँ तो इस पर ज़्यादा रोशनी जो है वो नहीं डाल सकती अच्छा आपका मैं पढ़ रही थी कि आपने फरमाया दो तीन जगह के योर ड्रीम ऑफ जनविन डेमोक्रेसी वो अभी तक पूरी नहीं हुई आप जेन डेमोक्रेसी देखना चाहते हैं पाकिस्तान में और अगर हम कहें कि जेनविन डेमोक्रेसी में उसका जो पावर का ताकत का मंबा होता है वो लोग होते हैं अच्छा इसमें मेरा ख़्याल है कि कोई दो राय नहीं होंगी इस पर काफ़ी सर्वेज वगैरह भी हो गए कि जो भी तनकीद इमरान खान साहब की हुकूमत की की जाए और जिस पिस जिस भी नज़रिए से की जाए लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि उनको पब्लिक की सपोर्ट बहुत है और अक्रॉस द बॉर्ड है पढ़े लिखे लोग शहर के रहने वाले लोग देहात के रहने वाले लोग अक्रॉस द कंट्री तो ये आप अच्छा और ये भी सबको मालूम है कि इन्होंने झगड़ा कर लिया इस्टिशमेंट ने इनसे किया या इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से किया आपने भी अपने इंटरव्यूज में जिक्र किया कि जनरल बाजवा ने इनके साथ बड़ा अच्छा किया hmm. इन्होंने क्या किया वट एवर द पॉइंट इज कि आज जिस तरीके से इमरान खान साहब ने ठीक है कुछ इन्होंने कहा कि जी मैं आर्मी चीफ में आये हिज अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ नहीं बनेंगे जब तक नई हुकूमत नहीं आएगी वो नहीं हो पाया उन्होंने कहा जल्दी इलेक्शन हों अभी तक जल्दी इलेक्शन ही हुए लेकिन ये जो फैक्ट है कि लोगों का ख्याल था कि और कुछ कैलकुलेशन भी थी पावरफुल हल्कों की कि इमरान खान जब हटाए दिए जाएंगे ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गए तो उनकी वो अथॉरिटी पावर नहीं रहेगी लेकिन ये आपको हैरान की है बात कि उनकी सपोर्ट कितनी है अक्रॉस द कंट्री देखें जी इसमें तो कोई शक नहीं जो इतने भी सर्वे हैं वो शो कर रहे हैं फिर उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं पंजाब असम्बली के उनमें भी वाजे हुआ है कि लोगों ने पीटीए के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट दिया है हालांकि उसमें दूसरे फैक्टर भी थे उसमें एक फैक्टर तो ये था कि ये लोग जो हैं वो पी के थे वो नून में के टिकट पर लड़े थे और वहाँ की जो लोकल क्यादत थी या लोकल कैंडिडेट थे वो नहीं चाहते थे कि पी के लोग आके उनकी इस जगह जो है वो संभाले लेकिन इसके बावजूद तमाम सर्वे शो कर रहे हैं लेकिन इन सर्वे शो करने का मतलब जो है नसीम ये तो नहीं है कि जो पार्टी जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है चाहे आप समझें कि वो डिलीवर नहीं कर सकी या डिलीवर नहीं करेगी इन फ्यूचर तो आप उसके साथ इसलिए हो जाएं कि वो पॉपुलर बहुत ज़्यादा हैं तो हमने तो फ़ैसला जो करना है वो ये देखना है कि अगर पॉपुलर हैं भी इकतदार में आते हैं और इकतदार में आके अगर वही सूरत हार रही वही चाल बेढंगी जो पहले थी तो फिर मुल्क का क्या बनेगा आपने साढ़े तीन साल साढ़े चार साल बल्कि पंजाब में भी कारदगी आपने देख ली है मरकज़ में भी जिस तरीके से एक फाइनेंस मिनिस्टर आया है फिर दूसरा आया है फिर तीसरा आया है तो ये सारे इश्यूज जो हैं ए, मैंने तो ये देखना है कि जो भी पार्टी आती है कौन सी पार्टी अगर बेस्तरा इकतदार आएगी तो मुल्क के मफाद जो है वो उसमें होगा आवाम की फलाह बहबूद जो है उसमें होगी इंटरनेशनल कम्यूनिटी के साथ आज कल आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते आपको अमरीका के साथ यूरोप के साथ बरतानिया के साथ चाइना के साथ सऊदिया के साथ यू के साथ कोई भी हुकूमत इन ताकतों के साथ ख़ास कर जब कर्ज में जकड़ी हुई हो आईएमएफ के लोन हों तो आप उनके बगाड़ के मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकते तो मैं समझता हूँ कि हमें यह भी सोचना है कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपने तलक्रत जो हैं हमें बेहतर बनाने हैं और उनके बेहतर बनाने से ही मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं जी आप तो आपने अपना तो बयान कर दिया कि आप कहिए रहे हैं कि पीटीआई में आप वापस नहीं जाएंगे इन वजूहत की बिना पे जो आपने चीज़ें पॉइंट आउट की हालांकि बड़ी दिलचस्प बात है कि एनडीयू में जब जनरल बाजवा ने आखिरी एड्रेस किया तो उन्होंने कोई हम 20-25 जर्नलिस्ट को भी बुलाया और वहाँ उनके अल्फाज ये थे बहुत सी उन्होंने तनकीद भी की लेकिन उन्होंने कहा इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर और हमारे और भी दोस्त थे मौजूद वो आ, इसको तस्दीक करेंगे बात कि उन्होंने कहा ही वॉज या आउटस्टैंडिंग या ब्रिलियंट विद द फॉरन लीडर्स तो बड़ी दिलचस्प बात है और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि <coughs> आइसोलेशन और मसले मसाइल हुए बट बहर हाल सवाल ये है कि अगर लोग जैसे आप हैं सर्वे जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं जो डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि पब्लिक सपोर्ट करती है लेकिन दूसरी तरफ जो आप बातें कर रहे हैं और जो बहुत से मामलाते हैं जो कि गड़बड़ हुए वो अपनी जगह हकीकत है तो हाउ डू यू स्क्वेयर स्क्स टू ऑपोजिट्स देखिए ये तो जब आप देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ पॉपुलर लीडर का होना इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इलेक्शन में वो जीत जाएगा उसमें जो हैं बहुत से और फैक्टर होते हैं उसमें एक तो फैक्टर ये भी होता है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो कौन हैं और कैंडिडेट्स जिन्हें हैं आप जब वो इकतदार में थे जब वो एम थे जब वो एम थे तो उन्होंने अपने हलके के लोगों के लिए क्या किया है मैंने तो बरतानिया में पॉलिटिक्स की है वहाँ पर भी हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं अगर आपकी उनकी खुशी में गमी में शरीक ना हो तो आप जितने मर्जी अच्छे हों वो आपको वोट नहीं देते और उसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि इलाके के लिए क्या किया है कितनी आपने जो है डेवलपमेंट करवाई है तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो भी होंगे वो किसी के लिए भी आसान जो है वाक ओवर नहीं है मुकाबला होगा अच्छा तो ये बताइएगा कि आपने तो फिर ये फरमा दिया कि पीटीआई के साथ आप नहीं जा रहे आपने कहा नवाज शरीफ साहब के साथ आपकी मुलाकात नहीं हुई Uh, 2017 के बाद आप फरमा रहे हैं 2015 के बाद तो अब फिर रह गई पीपल्स पार्टी और फिर आपकी चौधरी शुजात साहब पी तो मालूम नहीं कि उसका इस वक्त हाल क्या है तो पीपल्स पार्टी में आपकी मुलाकात हुई है काफी लोगों से ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे कि इज द पार्टी ऑफ द फ्यूचर फॉर यू स्टे विद वेलकम बैक नाजीन हमारे साथ फॉर्मर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हैं चौधरी साहब इससे पहले कि, आप, कि आपके मुस्तबिल पर जाएं आपने एक बात कही दो तीन मरतबा आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट में पावर जड बी जब मैं छोड़ने वोड़ने का कह रहा था तो वो जब मैं नाराज़ हो रहा था मैंने मुतद मरतबा छोड़ने का सोचा भी तो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि जी ये जो हैं ये हम इनके साथ दो हज़ार अट्ठाईस तक ये रहेंगे इमरान ख़ान साहब ये बात दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट की कैलकुलेशन थी कि इमरान खान साहब को दस साल रखेंगे इन पावर जी वो कंटिन्यूटी चाहते थे इसमें कोई शक नहीं वो चाहते थे कंटिन्यूटी तो वो फिर किस तरह उनको रखते पावर में पावर में किस तरह रखते ये तो नहीं पता मुझे कैसे रखते लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनके इख्त भी तो इसीलिए शुरू हुए है कि उनको पता चल गया था कि अगर यहाँ पर गुड गवर्नेंस जो है वो मरकज में और सूबों में नहीं दी जाती इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो उनको जो कंटीन्यूटी का उनका ख्वाब है वो पूरा नहीं होगा तो इसी से तो अख्तलाफा शुरू हुए जी तो कंटिन्यूटी का एक तो आ, ये फरमा दीजिएगा कि जो आपकी अपनी आपने फरमाया ड्रीम ऑफ डेमोक्रेसी है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो वो जो ड्रीम ऑफ डेमोक्रेसी आपकी अपनी है और मेरा ख्याल है करोड़ों लोगों की यहाँ होगी गिवन के डेमोक्रेसी मस्ट डिलीवर फॉर द पब्लिक तो वो और फिर जब इस तरह की बनते हैं प्लान्स टू ये यू नो मनीपुलेट करके कंटिन्यूटी रखना ये करना वो करना हमने देखे इतने यहाँ एक्सपेरिमेंट्स तो दोनों में तज़ाद है और जो एक ज़्यादा ट्राइड और टेस्टेड सिस्टम है वो तो नॉन नॉन इंजीनियर दुनिया में पाकिस्तान में तो बस मनीपुलेशन रही है आप क्या कहेंगे इसके बारे में लेकिन मैं कहता हूँ कि देर आये दुरुस्त आये अगर आ, जो है एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि एन एफ एनव अब हम चाहते हैं कि सियासतदान जो है अपनी सियासत करें और हम जो है काम जो है हमारा काम है वो करें और मैं आपको ये भी जरूर कहना चाहता हूँ कि हम तनकी तो ज़रूर करते हैं एस्टबलिशमेंट पर लेकिन आप दो हज़ार पाँच का जलजिला देख लें जब मैं बरतानिया में था यहाँ पर आया था तो फ्रंट लाइन पे जो लोग विक्टिम थे उनकी मदद जो है हमारी अफवाज पाकिस्तान के नौजवान कर रहे थे बेश दो हज़ार दस का फ्लड आया है तो मैंने देखा कि उस फ्लड में भी फ्रंट लाइन पर हमारी अफवाज पाकिस्तान के लोग थे फिर दो हज़ार बाईस के में भी वो थे फिर आप देख लें कि जो दहशत गर्दी है या जो तालबान जो है अमेरिका जो है अपनी सुपर पावर तमाम नेटो सब के साथ मिल के भी वहाँ से तालिबान जो है उनसे शिकस्त खा गया और मैं समझता हूँ जिस दलेरी के साथ जिस बहादुरी के साथ हमारी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारी अफवाज जंग लड़ रही हैं ये हम उन पे बजा पर बजा तौर पर फख्र कर सकते हैं नहीं तो जी उसमें तो कोई देर इज़ नो टेकिंग अवे फ्राम देट यकीनी तौर पर सर आंखों पे ये फौज सर आंखों पे ये बेटे हमारे जो जाके जान देते हैं इस मुल्क के लिए उसमें तो कोई दो राय नहीं है लेकिन जो मनीपुलेशन है और जो डिस्ट्रक्शन होती है उससे मुल्क की और जो हुई है उसकी तो तनकीद हम करते रहेंगे हमेशा और जो मुल्क की खदमत करना है जो तो वो तो सर आंखों पे और उसकी हमेशा तारीफ होगी और तारीफ करते रहे तो एक और चलिए आप अपने उस पर चलते हैं आपकी मुलाकात तो रही है पिंडी में जब से आप अभी आए मैं यही तो कहता हूँ नसीम हमारा आधे पौने घंटे का इंटरव्यू है इसमें आपने एक सवाल भी नहीं पूछा कि मुल्क की फॉरन पॉलिसी को कैसे बेहतर किया जा सकता है तो, हमारा दस साल का जो ट्रेन्यूर था जरा मुझे बात कर लेने दे तो आपने मुझसे नहीं।, नहीं पूछा कि दस साल हो गए हैं और अभी जो है दस साल का दोबारा वहां पर बात हो रही है यूरोपियन यूनियन में जी प्लस की तो उसके वहां पर क्या पॉसिबिलिटी है और वहां पर कैलिफोर्निया के साथ पंजाब का सिस्टर प्रोविंस का एग्रीमेंट हुआ है जिसके लिए मैंने बड़ी कोशिशें की थी रेजोल्यूशन मूव किया था आज से अठारह महीने पहले हमने अपनी एग्रीकल्चर को कैसे ठीक करना है पूरी दुनिया जो है कार्टन की जो रिटर्न है है वो 2000 किलोग्राम ले रही है हम 500 किलोग्राम ले रहे हैं लेकिन हमारा तो अब अब पिंडी आ गया लेकिन मैं आपको बताता हूं, पिंडी में जिन लोगों से 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 आपका ख्याल है उनमें किसी मेरी मीटिंग नहीं हुई अच्छा किसी और से उनसे नहीं छोड़ देते हैं इसका मतलब आपकी फिर इस्लामाबाद नहीं हुई है मीटिंग में चले जी इसको आपने जो बातें उठाई है ना बताऊ चौधरी साहब दे आर वेरी क्लोज टू आर हार्ट और हम इस पे प्रोग्राम करते रहते हैं मईत पे और आपको हम यकीनी तौर पे अगले दो एक हफ्ते में तकलीफ देंगे और हम आपसे ये सवाल पूछेंगे अभी आप खुद बेहतर जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल मुल्क की क्या है तो इस वक्त जो डिफाइनिंग चीज़ है वो तो सियासी जो अरेंजमेंट है आप भी बेहतर जानते हैं कि ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं वो जब ही आगे बढ़ाई जा सकती हैं अगर आपके पास कोई एक स्टेबल और एक कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट का सिस्टम हो और अभी हम हर वक्त बात करें अभी हुकूमत चली गई अभी इलेक्शन हो गए अभी लड़ाई हो गई अभी झगड़ा हो गया अभी कौन सी पार्टी हो गई और हम उस इन सवालों से तो नहीं भाग सकते जी बट दूसरे सवाल भी बहुत है मैं, मैं आप इसलिए नहीं भाग सकते जी नसीम उसकी वजह यह है कि तमाम पार्टियां इकतदार के मजे ले रही हैं तमाम पार्टियां हुकूमत में हैं लूट मार अपने अरूज पे है और ये एक दूसरे को गाली गलौज दे के अवाम जो है उसको बेवकूफ बना रहे हैं बस अच्छा ये बड़ी दिलचस्प बात की आपको लग रहा है कि अभी भी लूट मार उरूज पर है कब नहीं थी जी नहीं नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि बात ये चल रही थी कि जी आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो अगर लूट वाली सूरत हाल है और ये पीडीएम में तो पीपल्स पार्टी भी है अगर आपका ये ख्याल है तो फिर आई कांट इमेजिन कि आप ऐसी पार्टी की तरफ <centralized crít binding> जाएंगे जरा जरा जा मेरी, मेरी, मेरी 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 अर्थ सुन लें मैं जो मैंने बात की है वो मैंने ये बात की है कि जो लूट मार है ये इंडिविजुअल कर रहे हैं ये पार्टी तो नहीं कर रही है और मैं तो कभी भी ये नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी में सारे सेंट हैं और इसी तरीके से मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सेठ हैं हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं पैसे लेने वाले भी हैं पैसे नहीं लेने वाले भी हैं लेकिन मैं ये कहता हूं कि कि आपको भी खबरें मिलती होती है ना कि जो पंजाब में हो रहा है बिल्कुल आप भी तो बिल्कुल 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 जी एब्सोल्युटली ठीक है इमरान खान साहब ने खुद कह दिया मीटिंग में कि जो सूरत हाल है और परवेज इलाही साहब को डायरेक्टली कहा अब ये बताइएगा चौधरी साहब की ये दुरुस्त है कि आप नई पार्टी बनाने का सोच रहे हैं जहांगीर तरीन साहब से आपकी मुलाकात हुई अलीम खान साहब से भी आपकी बातचीत रही है तो इसमें कोई सदाकत है कि जी यू मे स्टार्ट योर ओन पार्टी नहीं इसमें अभी कोई हमारी इस बारे में इस कोई डिस्कशन नहीं हुई कि हमने पार्टी बनानी है किसी पार्टी में जाना है लेकिन यकीनी तौर पर मुशावर जो है लोगों के साथ होगी उसके बाद ही सोच समझकर फैसला करेंगे और आप कब तक फैसला करेंगे चौधरी सर ये बताइए देखिए हालात इसी तेज़ी से बदल रहे हैं कि समझ नहीं आती अभी अगर जो है इलेक्शन जो है अगर अप्रैल में होते हैं तो फिर तो जो है किसी की पार्टी के साथ जाकर वहाँ तैयारी करनी वहाँ सपोर्ट करना ऑलमोस्ट दो तीन महीनों में आप क्या किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो या स्ट्रबल कर सकते हो या अपनी पार्टी बना सकते हो तो ये टाइम जो है ये जो है ये बहुत कम है तो इसलिए अब सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा तो ये बात तो तयशुदा है आपकी तरफ से कि आप अगला इलेक्शन लड़ेंगे जी ये भी एक आपको मैं बता दूं कि यहाँ भी एक एम्बिग्विटी है आपको मालूम है कि गवर्नर का अहदा जो है वो वकला की राय जो है इसमें डिवाइडेड है बहुत से वकला कहते हैं कि आप जो है गवर्नर पे ये सर्विसज आप पाकिस्तान में नहीं आता गवर्नर रहने के बाद उन्होंने कहा कि जनरल फजल हक ने और यहाँ पर अलताफ़ सैम के अलताफ चौधरी अलताफ़ केस में जो है हाई कोर्ट ने और पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि गवर्नर का होदा सर्विस ऑफ पाकिस्तान में नहीं आता।, नहीं आता लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों की राय है कि नहीं दो साल का करसा जरूरी है तो इसकी भी अभी हमें क्लारिटी जो है वो लेनी है अच्छा ये बताइएगा कि अब सूरत हाल जो है उसमें पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने का पॉसिबिलिटी uh, तो कुछ भी नहीं करता तो अभी इन दोस्तों से और उसके बाद फैसला करेंगे अच्छा जी, और यकीनी तौर पर आपको बताएंगे इसका मतलब फैसला जल्दी आने वाला है चौधरी शुजात साहब से बातचीत करके <laughs> आपको क्या लगा कि चौधरी शुजात साहब वापस पीएमएलक्यू इकट्ठी होगी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब आप तो इनको बहुत अच्छे करीब से जानते हैं चौधरी शुजात को देखें जी मेरा ताल्लक जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी बहुत पुराना है सियासत में कभी हो जाती हैं नाराज़गियाँ कभी सुलह हो जाती है लेकिन एक बात मैं नसीम ज़रूर कहूँगा कि मेरी दिली दुआ है कि मैं ख़ानदानों की जो तकसीम है उस पर कभी खुश नहीं होता मैं समझता हूँ कि ख़ानदान इकट्ठे रहें तो फिर ही बेहतर है तो उनकी अगरचे चाहे पॉलिटिकल राहें डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ी अच्छी उनकी मसाली फैमिली यूनिट था जिसके कम अज़ कम मुझे तो अफसोस हुआ है इस पर खुशी नहीं हुई बेशक बेशक आप सही कह रहे हैं चौधरी जैसे हमने पहले काम आपको इनशाला बहुत जल्द Uh, आपको फिर से दावत देंगे और आपसे फिर बात करेंगे कि वॉट इज़ योर विजन इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट शुड बी डन के मुल्क को आगे ले जाने के लिए um, आज के लिए नाजिन हमारी तरफ से इतना ही चौथसा बहुत शुक्रिया नाजिन ख़ुदाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद